सो व्हेन वाज इट दैट इट बिकॉज सी क्लियरली अभी हमने बैठ के यहाँ पे ऑडियो सिस्टम आपका पूरा सुना एंड जस्ट बाय टू स्पीकर्स आई अंडरस्टूड बिकॉज आपने कई चीजें मुझे बताई भी थी एंड आई विल आस्क यू अगेन टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट अगेन बट इट इज वेरी एविडेंट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपको ये रियलाइज हुआ कि यार आई हैव टू अंडरस्टैंड द अकूस्टिक आई हैव टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू मेक ईच स्पीकर साउंड इन डिफरेंट सिचुएशंस तो एंड बाय व्हेन आई से दैट एंड व्हेन व्हाट आई मीन इज कि आपने बताया कि बॉक्सेस के अंदर द डायरेक्शन ऑफ हाउ द एयर फ्लोज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग दैट गोज इनसाइड दिस बॉक्स व्हिच मेक्स वन स्पीकर यू कैन मेक वन स्पीकर साउंड इन 10 डिफरेंट वेज और प्रोबेबली इवन मोर. व्हेन डिड दैट हैपन? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट? ऐसा कुछ तो हुआ होगा आपकी जर्नी के अंदर. सेकेंड ईयर में कार ऑडियो तो अपना कैप्चर हो गया था. ओके. सारा कुछ एसक्यू के अंदर जैसे जैसे करना पता चल गया था. आरएनडी तो नहीं थी बढ़िया कि हिट एंड मिस कर करके पता चल गया था. उस टाइम पे इतनी कोई ई बुक्स वगैरह होती नहीं थी कि हम पढ़ पढ़ के ढूंढ ले. यहाँ पे इंडिया में मोटी मोटी ऐसा भी नहीं कि बुक्स इजीली शेल्फ पे अवेलेबल है कि आप परचेज कर लो. तो अगेन बाद में हिट एंड थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर से सीख लिया. ऑलमोस्ट समझ में आ गया सारा कैसे होता है. हो गया अचीव, मन भर गया. व्हाट नेक्स्ट? थर्ड ईयर में होम थिएटर चलो करते हैं. तो उस टाइम पे अपना सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करा. ओके. अब ये सब इसलिए पाया, दोस्त की वर्कशॉप थी. कॉलेज क्लासमेट है. सारे सारे लोग हैं, पूरी वर्कशॉप रेडी है. जो मर्जी काम करो. अगर ये सब वर्कशॉप नहीं होती तो इतना कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहा होता. बिकॉज़ यू डू नीड टाइम एंड स्पेस. टाइम स्पेस लेबर सब कुछ वो वाज एवरीथिंग एट माय डिस्पोजल. तो उसने कहा जो करवाना कराते रहे. तो उस टाइम पे मैं कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं. आई बॉट सम लॉन्ग थ्रो 3 इंच मिड रेंज मिड बेस ड्राइवर्स, फुल रेंज कह लो. ओके. उसका रोल ऑफ नेचुरल रोल ऑफ था 16 किलो हर्ट्ज़ पे. तो ट्वीटर के एक्सट्रीम पर ही आता था बट डिडंट मेक मच डिफरेंस. ओके. उस टाइम पे मैंने एक पहला टेपर्ड इंक्लोजर, ट्रांसमिशन लाइन इंक्लोजर ही कह लो, वो बनाया था. ओके. तो उसमें से क्या है, एक तो छोटा सा स्पीकर है बट बेस भी चाहिए. बट उसके मुझे प्लान्स मिल गए थे ऑनलाइन. जब मैंने बॉक्सेस बनाया लगाया रूम में एंड उसको मैंने अगेन फर्स्ट टाइम मैंने प्ले करा था विद दैट पैनासोनिक बॉटल हेड हेड यूनिट. ओके. तो जरा सी पावर थी हेड यूनिट, तो वैसे छोटे एम्प्स ही होते हैं ना उनमें. तो 10-12 वॉट्स द रूम स्टार्टेड शेकिंग. हैरान मैं. एंड दिस वाज बिकॉज़ ऑफ द टेपर्ड बॉक्स दैट यू हैड क्रिएटेड, ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन. What is it in layman terms? What is a tapered design? Tapered transmission line design क्या होता है? Transmission line एक हमारा length होता है जिस पे हमारी एक frequency की एक ना जो peak होती है dip होती है and then again right. goes zero. Correct. तो उसकी wavelength की एक size होता है. Let's say 4 meters की वो wavelength है. हाँ. That is let's say again 40 hertz. Okay. 40 hertz का wavelength का size 4 meter है. हुँ. अब वो room के अंदर हमें box के अंदर मुझे उसे reinforce करना है. कि मैं चाहता हूं मेरा जो स्पीकर है वो 40 हर्ट्ज तक प्ले कर सके. ओके. और कई तरीके होते हैं, या तो स्पीकर्स का डिजाइन ऐसा कर दिया जाए कि नेचुरली उनका एफएस जो है फ्री एयर रिस्पांस नीचे हो जाए. अगर वो सब नहीं है तो फिर विद द हेल्प ऑफ सम इंक्लोजर डिजाइन एड्स वो सब हो जाता है काम. तो वो उसमें क्या होगा कि हम क्वार्टर वेव यूज करते हैं. क्वार्टर वेव का मतलब हो गया कि 4 मीटर है तो हम 1 मीटर का पाइप बनाएंगे. बट द थिंग इज कि उसको यूज करना आना चाहिए. जो एयर की वेलोसिटी है हमें उसे स्लो करना है. हमें 4 मीटर की वेवलेंथ मिल रही है इन दिस एयर डेंसिटी. अगर हम किसी तरह एयर की डेंसिटी बॉक्स के अंदर कम कर सके इन रियल टाइम तो हम वही सेम जो हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए बेस रीइंफोर्समेंट वो अचीव हो जाएगी एट 40 हर्ट्ज विद 1 मीटर लेंथ. ओके. ये थोड़ा थोड़ा मतलब लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. हाँ कॉम्प्लेक्स है थोड़ा. हाँ नहीं नहीं बट आई गॉट द बेसिक जिस्ट ऑफ इट बिकॉज पर्टिकुलरली बिकॉज आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सिमिलर फॉर माय कार जो अभी यूज हुआ है. बिकॉज अगेन मैं भी आपके पास आया था, मेन मेरा वही था कि यार डब्बा ही इतना छोटा सा है इसके अंदर करेंगे क्या करेंगे. बट देन दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैड मेंशन बिकॉज उसमें दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. सो वी विल प्रोबेबली हैव टू प्ले अराउंड विद समथिंग एल्स दैट यू हैड मेंशन. फिजिक्स यूज करनी है. हाँ तो देर आर सर्टन मटीरियल्स अवेलेबल जिससे आप एयर वेलोसिटी को स्लो कर सकते हो. और कॉमनली अवेलेबल मटीरियल है. बट टेपर डिजाइन का मकसद दूसरा होता है. आप सीधा एक से 4 इंच बाय 4 इंच का रेक्टेंगल भी पूरा कंटिन्यूस पाइप चला सकते हो और
यू कैन टेपर इट, टेपर का मतलब हो गया एक साइड से आपका 4 इंच से शुरू कर रहे हो बट जब एंड कर रहे हो दैट इज 1 इंच, तो वो टेपर है बट टेपर को फोल्ड भी करना है क्योंकि आपका टॉवर है. ओके, इट स्टार्ट्स हियर, नीचे आया, नीचे आके देन टर्न करा, टर्न करके ऊपर गया, तो यहाँ मोटा है, धीरे धीरे पतला हो गया, फिर इधर से टर्न करके और पतला पतला हो गया. ओके, तो टेपरिंग करने में थोड़ा और बेनिफिट मिल जाता है, वो लेंथ और कम हो जाती है, वो 1 मीटर की बजाय लेट्स से 0.9 मीटर अचीव हो जाता है. ओके ओके, तो सो इन कनेक्शन विद दिस एंड उसके बाद मैं आपके पास वापस उसी लाइन उसी चीज पे आपको लेके आऊंगा जो आप बता रहे थे कि जब आपने मिड बेस उस बॉक्स में डाला एंड एवरीथिंग वाज स्टार्टेड शैटरिंग. बट बिफोर दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट बॉक्सेस. आई मीन आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड बहुत लोग ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर अ बिग सबवूफर इन अ कार इन लेमन टर्म्स यू'ड रादर गो इन फॉर अ स्मॉल वन और प्रॉबली टू स्मॉल वंस बट प्ले अराउंड विद द एनक्लोजर अ लिटिल बिट. So, what is that all about? I have no idea. किस कंटेक्स्ट में बोला गया मुझे आइडिया नहीं, कई सारे कंटेक्स्ट हो सकते हैं. ओके, बट जैसे अभी मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन, मैंने ट्रांसमिशन लाइन लिया और कई टाइप के बॉक्सेस बनाए हैं. वॉइड लाइन, वॉइड पाइप, ये टिपिकल स्टैंडर्ड बेसिक जो पोर्टेड बॉक्सेस होते हैं, बैंड पास एंड ऑल दैट. इवन सिक्स ऑफ द बैंड पास यूज करता है, बोस यूज करता है. कभी आपने बोस अकूस्टिक मास यूज कर देखा हो, हाँ, उसमें छोटा सा 6 इंच का सबवूफर होगा. साउंड क्वालिटी छोड़ो बोस की जैसी मर्जी है, बट उनके इंजीनियर से ये अचीव कर दिया, दे कैन प्ले वेरी डीप इन अ स्मॉल बॉक्स कॉर्नर में रख के. करेक्ट, तो दैट्स अ 6 ऑर्डर बॉक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्स. बिकॉज इवन आई हैव, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोस, सो इन माय रेजिडेंस आई हैव अ, आई मीन द रूम साइज इज अबाउट 16x22. राइट, एंड उसमें टीवी के नीचे, वॉल टीवी के नीचे आई हैव अ वो साउंड बार 700 एंड उसके साथ जो उसका फ्लोर फायरिंग सबवूफर एंड दैट थिंग एनवेलप्स इफ नॉट द साउंड बार बट डेफिनेटली द सबवूफर, द डैम थिंग एनवेलप्स द एंटायर स्पेस एंड वेरी वेल. सो दैट्स गुड डिजाइन. अगर इंजीनियर्स को पता है हाउ टू यू नो कैटर टू दीस थिंग्स, तो हो जाता है सॉल्व. तो कार के अंदर क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन लोगों ने यूज करे है टू अचीव मोर SPL. प्रैक्टिकल नहीं होता, लंबी स्टोरी है, बहुत कुछ है, मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं. मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, यूएस की अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे यूट्यूब पे, तो ये सब लोग हर चीज ट्राई कर चुके हैं, SPL के कॉम्पिटिशन में भी एंड ऑल दैट. कार ऑडियो एनवायरमेंट कह लो शायद ठीक नहीं होता, थोड़ा केबिन छोटा होता है कि वो ये सारी चीजें, इट डजंट वर्क बेस्ट और नॉट द बेस्ट यू कैन से. यार इनको ना सी सबवूफर्स को एक पॉइंट आता है, लाउड म्यूजिक आप सुनते रहोगे बट एक पॉइंट के बाद आप कहोगे यार अब इनको ना गायब करना है. ये अब ये सर पे चढ़ के गा रहे हैं, लेट्स मेक देम डिसअपीयर. तो उसके लिए ना अप्रोच चेंज करनी पड़ती है. एंड व्हाट इज दैट अप्रोच? आई थिंक यू ऑलरेडी हैव दैट अप्रोच बिकॉज़ यू इवॉल्वड. उसका होता है सिंपल बॉक्स डिजाइंस. ओके, सिंपल पोर्टेड बॉक्सेस या सिंपल सील्ड बॉक्सेस जिनकी लोकेशंस को हम अपने हिसाब से मूव अराउंड करके ढूंढ सकते हैं कि यार अब कुछ सबवूफर बॉक्सेस होते हैं, कोई भी बॉक्स मान लो कि अपना जो बॉक्स है दैट इज फायरिंग टुवर्ड्स द बूट लिड. ओके, मे बी अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम टर्न कर देंगे 90 डिग्री, नाउ बॉक्स विल फेस टुवर्ड्स द रूफ. मे बी वो सॉल्व कर देगा इशू. अगर वो भी नहीं आ रहा, हम बॉक्स को टर्न कर देंगे, जो आपका बॉक्स है वो साइड पैनल की तरफ फेस करेगा, मे बी दैट विल सॉल्व. तो विद सिंपल बॉक्सेस ना अपने पास थोड़ी फ्रीडम रहती है मोबिलिटी की, यार इधर उधर जैसे मर्जी कर लो फेस, और वो जो चाहिए मेन एम वो अचीव हो जाए. ओके, एंड अगर लाउड बजाना है तो फिर तो देखो पोर्टेड बॉक्सेस एंड बैंड पास पे जाना ही पड़ता है. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बंदा कहता है यार ऐसा चाहिए, SQL एक नया टर्म आया था ना, साउंड क्वालिटी लाउडनेस. साउंड क्वालिटी भी चाहिए मगर लाउड भी जाना चाहिए. तो उसके लिए भी अलग अलग थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं बॉक्स डिजाइन में, बट वो भी अचीव हो जाता है, बट वो मोस्टली पोर्टेड में होता है, सील के अंदर नहीं होता वो. And why is that? What is it about ported? Ported के अंदर हमें first, I mean, मुझे तो मालूम है, but for the viewers, what exactly do you mean by a ported box and a non-ported box? Seal box के अंदर हमारे पास completely airtight seal box होगा, जिसके अंदर सबवूफर लगा दिया. Okay. जो पीछे air है, जो compress होगा ना, तो what happens is हमारा atmospheric pressure जो है, वो पीछे की तरफ compress होगा, तो वो spring action की तरह उसको वापस आगे push करेगा, cone को, speaker की cone को. तो that becomes a bouncy thing. वो जो हमें जो tightness मिलता है ना, उसकी वजह से सबवूफर्स दे ट्राई टू प्ले फास्टर, या एटलीस्ट हम परसीव कर लेते हैं दे आर प्लेइंग फास्टर. ओके, कि टाइट आ रहा है, पंच आ रहा है. ऐसा नहीं कि पोर्टेड बॉक्स, पोर्टेड बॉक्सेस टाइट और पंची प्ले नहीं कर सकते, ये भी एक मिथ है. बट जिनको बॉक्स डिजाइन नहीं करना आता ठीक से, तो उनसे गलती हो जाती है और वो फिर इसलिए थोड़े से स्लॉपी बचते हैं. नाउ कम्स टू द पोर्टेड बॉक्स.
These are the boxes which are ported box. This is the port that you're talking. Let's suppose ki ye subwoofer hai. तो ये हमारे पास पीछे है पूरा एक, एक थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाते हैं कि ये है ही नहीं. जो पीछे बैक वेव आ रही है एक वेव आ गई फ्रंट वेव आ गई बेस की एक बैक वेव है वो सेकंड वेव जो है सील बॉक्स के अंदर तो क्या है कि वेस्ट हो गई. ओके और भी बहुत कुछ होता है बट सिंपलिसिटी के लिए वेस्ट हो गई यूज नहीं आई. ओके बट अगर हम किसी तरह उस बैक वेव को एक पोर्ट दे दे या एक रास्ता दे दे चैनल दे दे और उसके थ्रू हम उस एयर को बाहर निकाल दे तो हमने क्या करा एनर्जी यूज कर ली फ्रंट वेव और बैक वेव दोनों को यूज कर लिया. ओके ओके तो आपकी क्या हुआ लाउडनेस परसीव लाउडनेस डबल हो गई. आई सी आपका जहां सिंगल वूफर लगा था आप कह रहे हो यार दो लग रहे हैं दो बज रहे हैं दो नहीं बज रहे हैं एक ही बड़ो पोर्टेड आ गया. ओके पोर्टेड के साथ अपने इश्यूज और हैं वो छोड़ो वो भी और सॉल्व करने पड़ते हैं बट दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग कि आप पोर्ट कर दोगे तो आपको कम पावर देनी पड़ेगी आप लाउडनेस अगर अचीव कर लोगे या आपके पास लो पावर सबवूफर है 100 वाट आरएमएस का सबवूफर है बट आप चाहते हो यार लाउड तो बजे पोर्टेड बॉक्स के अंदर ही ऑप्शन है सील में तो लाउड जाएगा नहीं. कुछ स्पीकर्स होते हैं डेडिकेटेडली जो सिर्फ सील के लिए ही बने होते हैं कुछ होते हैं जो सिर्फ पोर्टेड के लिए बचते हैं उसको भी एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अभी छोड़ देते हैं. ओके बट अगर थोड़ा सा लाउड जाना है तो यस बट अगेन बहुत बड़ा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि पोर्टेड मतलब टाइट नहीं होगा या ब्लेंड नहीं होगा या गायब नहीं होगा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ऐसा कुछ नहीं है. ओके बॉक्स डिजाइन ठीक से होना चाहिए एंड ऑल्सो प्लेसमेंट पे मैटर तो करता ही है एंड फाइनल ट्यूनिंग तो आजकल इस पे जो न्यू टूल्स आए हैं डीएसपी एंड ऑल फाइनल ट्यूनिंग तो उसी से होती है. ओके 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 ये टाइम अलाइनमेंट एंड ऑल दैट जो मैं बात कर रहा हूँ अगेन डॉल्फिन डिस्प्ले वगैरह उसमें टाइम अलाइनमेंट होता भी नहीं था फीचर डीएसपी फीचर्स आए टाइम अलाइनमेंट ये 9887 में था. हेड यूनिट पे था इमेजिन तब आप सब कुछ कर सकते हो एंड बट मुझे प्रॉब्लम दूसरी इसके साथ और भी आती है आपके पास हाई एंड हेड यूनिट है बट आपके पास उस टाइम पे इंडिया में इंस्टॉलेशन उस लेवल की नहीं थी कि आप परफेक्शन अचीव कर लो कार के अंदर. सबने ट्राई जरूर करी है बट होल हार्टेडली काम कोई नहीं करके देता था इवन दो नाम ले सकता हूँ मैं सबको पता है कर सकते थे ऐसे काम अच्छे काम कर सकते थे बट होल हार्डली दे नेवर बॉदर्ड कि यार थोड़ा सा एफर्ट डाला जाए. सभी का मेन होता था फोकस की सामान ज्यादा बेचो तो इसलिए उस टाइम पे बहुत कम नॉलेज थी या बहुत कम इंटरेस्ट था या जिसका इंटरेस्ट था भी वो समझ नहीं पाया ट्यून कैसे करना है या ट्यून कैसे करवाना है तो उसका इंटरेस्ट इवन खत्म हो जाता था. आई थिंक दैट इज व्हेन नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द होल फैक्ट कि इट्स जस्ट आई मीन यू नीड टू बी इन द राइट हैंड्स You need to be in the right hands. There are all sorts of people out there in the market. There are people जो कि आपको सिर्फ सामान बेचना चाह रहे हैं but then there are some people who actually are you know going to tell you that आपसे सवाल पूछ के वो आपको फिर गाइड करना चाहेंगे कि this is actually what you need. क्योंकि हमें क्या होता है अभी तो हम जैसे क्या है आई मीन आई यू नो आई क्लियरली रिमेम्बर आई हैड गॉन टू सुभान फॉर दैट मैटर तो उसको मेरे मेरे माइंड में और उससे मैं काफी टाइम से ऑडियो इंस्टॉल अपनी गाड़ी में पहले से भी कराया हुआ है तो आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन ओल्ड बडी तो मेरे को अभी भी याद है कि यू नो आई वेंट टू हिम एटलीस्ट विद मी सो आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि यार मेरे को तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए. करेक्ट आई मीन व्हाट एंड व्हाई नॉट आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही आस्क्ड बट एक्चुअली ही आस्क्ड फ्रॉम द कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को एटलीस्ट आप ये तो बताओ कि आपका डिसीजन मेकिंग का बेसिस क्या था. And then he completely flashed my mind and then he guided me ki what you should actually be looking at. And then usne same cheez boli thi ki aapko jo lag raha hai na ki 8-10 speaker laga ke aapko tabhi wo sound milegi. That's actually something which is a very big myth. Tab mere ko laga yaar aisa kaise ho sakta hai? Aisa kaise ho sakta hai? Then I happened to have bumped into Arpit. Arpit se to bahut time se usko again janta hu. और मुझे ये मालूम था कि उसकी गाड़ी में सिर्फ उसकी बलेनो की अगर मैं बात करूं तो ही हैड अ फ्रंट थ्री वे एंड पीछे सबवूफर है बाकी ही इज गॉट सम स्टफ डन टू इट मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली क्या है बट उसकी गाड़ी में बैठा एंड इट फेल्ट एज इफ आई एम बीइंग एनवेलप्ड बाय साउंड एंड लेटर ऑन व्हेन ही टोल्ड मी इट इज ओनली फ्रंट थ्री वे एंड अ सबवूफर एक्टिव सेटअप है आई गॉट ब्लोन अवे आई वॉज लाइक शिट ये कैसे है तब मेरा दिमाग और घूमने लगा दैट इज व्हेन आई यू नो स्टार्टेड डूइंग some research on it क्या होता है क्या नहीं होता and it completely blew my mind and which is why I just feel it is so important to you know know more about it
एंड टू बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन. इंडिया में अभी भी ज्यादातर हमारे देश में ये, और साउथ का तो देखो मुझे मालूम नहीं, आई एम श्योर साउथ इज वेरी प्रोबेबली मोर इवॉल्व देन नॉर्थ व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल थिंग्स, बट यहाँ अभी भी वो है कहीं ना कहीं टू गो लाउड. एंड लाउड जाना है तो स्पीकर्स बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे. लाउड का ना एक और मिथ कह लो. हाँ, लाउड को एसोसिएट करा गया है कि हेडेक से, कि लाउड मतलब सर दर्द करेगा. हाँ, ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है. लाउड डजंट मीन डिस्टॉर्शन, लाउड डजंट मीन पुअर एसएनआर, लाउड डजंट मीन पुअर स्टीरियो सेपरेशन, वो सब गलत है. यू कैन मेक योर ओन स्पीकर, जो भी एसक्यू स्पीकर है, दे कैन प्ले लाउड एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू ट्यून देम. दे विल प्ले एज लाउड एज यू वॉन्ट, कोई इशू नहीं. वो छोड़ो, अगर एसपीएल ड्राइवर्स भी है, पीए स्पीकर जैसे आजकल देखते हैं डीडी के, डेफबॉन्स के, और दो चार काफी सारे ब्रांड्स है, दे आर लाउड, बट अगेन आफ्टर ट्यूनिंग यू कैन मेक देम साउंड लाइक अ वेरी हाई इन कॉम्पोनेंट. दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर एफर्ट, क्योंकि वो इतने वेल बिल्ट होते ही नहीं है. चाइना इज अ वर्ल्ड फैक्ट्री, तो वहां पे फटाफट टॉलरेंस लेवल इतना देखा नहीं जाता और सामान बनते जा रहा है. बट ये कि हाँ, एफर्ट डलता है तो वो भी दे कैन मेक टू प्ले लाउड एंड एक्सट्रीमली क्लियर. और क्लैरिटी, क्लैरिटी हर कोई बोलता है ना, जैसे यूट्यूब वीडियोस आते हैं ना, क्लैरिटी सुनो, क्लैरिटी. ओवर हाइप यूट्यूबर्स, भैया क्या क्लैरिटी आ रही है? टेक्निकल टर्म जो होता है ना, वो होता है डिस्टॉर्शन. मेन वो यूज करना चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं है. लैक ऑफ डिस्टॉर्शन इज क्लैरिटी. तो डिस्टॉर्शन नहीं है, या SNR रेशियो इम्प्रूव कर दिया है थ्रू बेटर यूज ऑफ इक्विपमेंट, या लोकेशन सही लगाई है स्पीकर्स की, ट्वीटर्स की, मिड रेंज की, जिसकी वजह से और रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे एंड वन इज एबल टू एक्चुअली लिसन और फोकस ऑन द साउंड जो आ रहा है. आवाज तो है, ट्विटर भर भर के फेंक रहा है, मिड रेंज भी फेंक रहा है. व्हाट हैपेंस इज इन ऑल दैट मेस, वो हमारा ब्रेन जो है परसीव करना छोड़ देता है. वो जो उस टाइम पे लीस्ट बॉदर्ड फ्रीक्वेंसीज होगी ना, उसको पिक कर लेगा, बाकी को इग्नोर करेगा, क्योंकि वो कान खा रहे हैं, सर दर्द हो रहा है. ये भी एक है यहाँ पे, लाउड मतलब सर दर्द, वो ऐसा नहीं होता एक्चुअली. वो ऐसा, मैं भी कुछ ऑडियो सेटअप सुने तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई. आई मीन यू गो क्रेजी ऑन द वॉल्यूम, बट देर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस कि आपका सर दर्द होने लग जाएगा, और एक होगा कि यार यू विल बी इमर्स्ड इन इट, कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ अभी अभी.